हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी आर एस अग्रवाल सॉल्यूशंस की एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 8 है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लीकेशन इलस्ट्रेटेड बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुल टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन है, इसमें हमारे को बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। तो देखो, अगर आप लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको उन वीडियोज़ को जाके देखिए, उसके बाद में इनको देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा तो इनको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए या बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आता है वो सेम ही आता है। इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते थे? कोमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कोमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? कोमुटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो, हमने एक प्रॉपर्टी ए भी पढ़ी थी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी दिया हुआ है और ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो पहले बी को सी से मल्टीप्लाई कर दो फिर ए से कर दो, या फिर पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट्स क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यही चीज़ तो की है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। हमें रिजल्ट नहीं निकालना, हमें केवल प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो हमने क्या किया? प्रॉपर्टी का नाम बता दिया, कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बाहर ए दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर ब्रैकेट में बी प्लस सी से, तो ये ए बी से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच में प्लस है तो प्लस, और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी। ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता था, यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखो ऐसा ही तो है, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है आगे और बीच में प्लस है तो प्लस, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है वो कौन सी है? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो, इसी नंबर का रेसिप्रोकल यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो इस प्रॉपर्टी, और यहाँ उल्टा भी बोल सकते हो, इसका रेसिप्रोकल ये है, दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से वो किया है, यानी रेसिप्रोकल से किया है। तो यहाँ पे होगी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे क्या है? 0 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या है? किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है वही रिजल्ट आता है। तो यहाँ आप बोल सकते हो यहाँ है रोल ऑफ 0, यानी ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की। तो आई होप आप लोगों को ये सभी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर इन इट्स रेसिप्रोकल इज। तो देखो यहाँ किया है, एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल ये रहा, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 0 को जैसे 0/1 लिख दिया, तो जब इसका रेसिप्रोकल निकालोगे तो वो क्या बनेगा? 1/0। और हमने पढ़ा है रैशनल नंबर में p/q में, तो जो डिनोमिनेटर में q 0 नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर दियर ओन रेसिप्रोकल। तो 1 और -1 है, उनका जब रेसिप्रोकल निकालोगे ना तो वो भी कितना आएगा? 1 और -1 ही आएगा। जैसे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1, जिसको आगे सोल्व करने पे 1 बन गया। इसका रेसिप्रोकल 1/-1, जिसको आगे सोल्व करने पे माइनस का 1 बन गया। तो देखो दोनों के रेसिप्रोकल क्या आ रहे हैं? सेम ही तो मतलब उन नंबर का रेसिप्रोकल वही नंबर आ रहा है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। 0 हैज़ नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। हाँ, 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है। फिर आगे द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए नॉट इक्वल 0, तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a हो जाएगा। और यहाँ क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, 1/a का a/1 हो जाएगा, जिसको हम ओनली क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। भाई कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसका जब रेसिप्रोकल निकालोगे ना तो वो भी क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/5 है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर की पहचान कैसे करते हैं? या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अभी दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो इसका जब रेसिप्रोकल निकालोगे
तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, 5/2। ये भी देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है। मैंने पॉजिटिव को प्लस में प्लस वी करके शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप पूरा लिख लेना पॉजिटिव स्पेलिंग इसकी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 1E एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।